फाजिलका की तेल फैक्ट्री के लगी भयानक अग अंदर पिया सारा समान सड़के सवार लखां दे नुकसान का जताया जा रहा है खदशा। गरीब परिवारों के समूहिक विआह के नाल शुरू होया राधिका आनंद अंबानी के विआह का जश्न। अंबानी परिवार ने महाराष्ट्र के पालकर दे विच गरीब जोड़िया के करवाए समूहिक विआह। सत श्रीकाल, इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधु शुरुआत करांगे हाथरस हादसे तो। हाथरस हादसे तो बाद बाबा फरार है। दस दईए कि मैनपुरी आश्रम तो फरार होया है बाबा, और साकर हरी मैनपुरी के बाबा के टिकाने से पुलिस जी है वह पहुंची सी, और यूपी पुलिस पहुंची सी। तो दस दी कि बाबा की भाल के कई थावां से पुलिस छापेमारी कर रही है, पर बाबे का पता नहीं है कि कितने है। तो फोरेंसिक टीम घटना वाली थान से पहुंची है। सत्संग प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख सेवादार ते होरां दे खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। भगदड़ दे विच हुण तक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि 122 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर 116 मौतों की पुष्टि हो गई है। सत्संग खत्म होने तो बाद दस दिए कि भगदड़ मची है। तो साकर हरी बाबा की गड्डी के पिछे ये लोग भज रहे सन। हाथरस के जांच की कमेटी बना दी गई है। अज CM योगी खुद हाथरस जाएंगे, पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की जाएगी। दस दिए कि हाथरस जिले के सिकंदराऊ कस्बे के फुलराई पिंड नारायण साकर विश्व हरी भोले बाबा का सत्संग चल रहा है। करीब 10:30 बजे सवेरे सत्संग शुरू होया, पर जो घटना वापरी है उस समय 1:20 का समा से। तो पुलिस के मुताबिक सिर्फ 80,000 लोगों के इकट्ठे होने की इजाजत थी, पर लखा ही गिनती के लोग शामिल हुए हैं। हालांकि इस लैके अजे तक कह लीए कि पूरा अंकड़ा जोड़ा है वह क्लीयर नहीं है, क्योंकि बहुत सारिया जीयां चीज़ा होंगे ने जिसनों लैके लुकोया जाता है। खास तौर पर जो इस किस्म के हादसे वापर जान तो उस मौके पर ज़्यादा जोड़े खुलासे होंगे ने बाद होंगे ने, क्योंकि सीधे तौर पर इन्नी वीड्डी गिनती जोड़े लोग ने इकट्ठे हुए कि उन्हों के इकट्ठे होने की उत्थे परमिशन सी कि उन्होंने इजाजत सी। तो यह सारे सवाल अजे बने हुए ने, और कुल मिला के सब तो सवाल यही है कि बाबा फरार है। सीधा रुख करते हैं अलीगढ़ यूपी तो, साढ़े न रंजीत लाइव मौजूद ने मेरे सहयोगी। रंजीत, क्या कुछ अभी तक की पूरी जानकारी, पूरी अपडेट इस हादसे को लेकर, क्योंकि बड़ा हादसा, किसकी जिम्मेवारी, किसकी गलती, अब तक कितनी कार्रवाई हुई, कितनी FIR दर्ज हुई, सबसे बड़ा सवाल बाबा कहाँ है, फरार है अभी तक? देखिए, मैं इस वक्त अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। लगभग जो माना जा रहा है 122 लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ में 38 शव आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो किसी भी मृतक के परिवार को दिक्कत ना हो उसको लेकर यहाँ पर SP सिटी, EDM सिटी, SP तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों को दिक्कत ना हो। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। 38 शव आ चुके हैं। मेरे साथ SP अमृत जैन मौजूद है, मैं इनसे जानकारी करूंगा, क्योंकि ये देर रात से यहाँ से कल शाम से यहाँ पर मौजूद है, और सभी जो मृतक आ रहे हैं उनके परिवारजनों को संतुष्ट करके यहाँ से उनको भेज रहे हैं। सर, यहाँ पर फिलहाल की स्थिति क्या है? सर देखिए, कल हमारे पास अलीगढ़ में जो हाथरस में कल हादसा हुआ, उसके बाद अलीगढ़ जनपद में वहाँ से 38 शवों को भेजा गया, जो कि हमने तीन जगह मलखान सिंह हॉस्पिटल, JNMC और जो पोस्टमार्टम हाउस, PM हाउस, यहाँ पर हमने इन तीनों शवों की पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की, और एक के बाद एक पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी तरीके के साथ, जो जैसे हमने प्लानिंग की थी कि पंचायतनामा की कार्रवाई में कितना समय लगेगा, पोस्टमार्टम में कितना समय लगेगा, हमारी कितनी कैपेसिटी है, उस तरह से हमने करते हुए बहुत ही कम कुछ घंटों में, चंद घंटों में हमने 36 शवों की पहचान भी कर ली, और 36 शवों का पोस्टमार्टम भी कर लिया, और पोस्टमार्टम उपरांत उनको, उन सभी शवों को सम्मान उनके परिजनों के साथ उनका गंतव्य स्थान वो कहीं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या भरतपुर राजस्थान या MP क्यों ना हो, हमने उन्हें वहां पहुंचा दिया। यहां पर देखिए, 38 शव आए थे, 36 की पहचान हो चुकी है, और 2 का यहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। यहां की आपको स्थिति दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्था है, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जिससे यहाँ पर कोई पैनिक स्थिति यहाँ पर क्रिएट ना हो। यहाँ पर आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा, तो देखिए, शव वाहन यंत्र यहाँ पर रखे गए हैं, जिससे कि अगर कोई डेड बॉडी और भी आती है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अंदर डॉक्टरों का पैनल जो डेड बॉडीज आ रही है उनका पोस्टमार्टम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, प्रशासन के तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट हो या तमाम डॉक्टरों के अधिकारी हो वो बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर कल शाम से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की दोनों की व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से मेंटेन कर रखी है, जो परिवार जन आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कल जो हाथरस में घटनाक्रम हुआ है वो वास्तव में दिल दहलाने वाला है। और बात करी जाए मृतकों की संख्या की तो वो अब तक 120 से पार हो चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ पर आज माना जा रहा है हाथरस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। देर शाम मुख्य सचिव और डीजी पहुंच चुके थे, डीजीपी और तमाम मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। यहां पर मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूं तो अंदर एसपी सिटी और एडीएम सिटी दोनों यहां पर मौके पर बैठे हुए हैं, जो अंदर पोस्टमार्टम करा रहे हैं। आपको सिटी मजिस्ट्रेट से बात कराना चाहूंगा, अलीगढ़ में प्रशासन स्तर पर सिटी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। सर क्या कहेंगे सर, यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल, क्या बॉडी का? एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है, दो का भी शिनाख्त नहीं हो पाई। दो की टोटल सर काउंटिंग कितनी है सर, कितने आ गए सर? 38 की 38। क्या इसके बाद सर और भी हैं जो वहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, और आने की कोई सूचना नहीं है। 38 यहाँ पे कल रात में आए, 36 का पोस्टमार्टम 36 को हो रहा, 35 बार्टी देखिए यहाँ पर 35 जो पोस्टमार्टम मृतकों के पोस्टमार्टम जो होना था वो यहाँ पर हो चुका है, एक का रह गया है, सबकी शिनाख्त हो चुकी है, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर शिनाख्त की। अभी एसपी ने भी बताया कि किसी भी राज्य का हो उसको पहचान लिया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर शिनाख्त कर लिया गया है। आप देखिए मेरे पीछे पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी अंदर से आ रहे हैं, जो कि अंदर बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो एक शव बचा है जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आप देखिए ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को खोला गया है और यहाँ पर अब उनके शव को ले जाया जाएगा और उनको जहाँ वो रहने वाले होंगे उनको वहाँ पहुँचाया जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अलीगढ़ तो मेरे सहयोगी रंजीत ने रिपोर्ट किया और जिथे वो मौजूद ने तो उथे शव घर 38 जिड़िया लाशा ने पहुंचिया ने, तो जो जानकारी मिल रही है कि रात भर जो पोस्टमार्टम ने वह होंगे रहे हैं। खास तौर पर जेकर गल की जाए तो वड्डा हादसा यह वापरता है और मेरे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे कि 122 मौत हुई ने, हालांकि पुष्टि अजे तक 116 की हुई है। तो एक होर जानकारी दईए कि जो कल हादसा वापरिया तो उत्थे जे सिपाही ड्यूटी से तैनात से रजनेश 30 साल की उन्होंने उम्र है, तो उन्होंने एकदम तो हार्ट अटैक आ गया जो जिस किस्म की उन्होंने भीड़ देखी भगदड़ मचती हुई वेखी और मौके पर उन्होंने मौत हो गई थी। तो इस किस्म के नाले वड्डा घटनाक्रम वापरिया है और अजे तक बाबा फरार है, उन्हों की भाल भी लगातार की जा रही, वक् वक् ठिकाणे से छापेमारी पुलिस कर रही है। दूसरे पास जोड़े सीएम ने खुद इतने अच्छ पहुंचे हाथरस, तो यह तस्वीर ने भगदड़ तो पहला का तुम वीडियो दिखा रहे हैं कि ज़्यादा इतने श्रद्धालुओं की गिनती जी है उसी वेख पा रहे हैं, जिथे तक सू नज़र जा रही है उत्थे तक लोग जोड़े ने मौजूद ने और बेहद वही गिनती के लोग इतने पहुँच गए। ये जानकारी मिल पा रही है कि प्रबंध जिन्हें किया गया से उस तो कितने ज़्यादा गिनती के लोग पहुँच गए, जिसकी वजह के न यह हादसा वापर है। और तुम भगदड़ तो पहला की वीडियो दिखा रहे हैं किस किस्म के लोग जोड़े पिछे भजते हुए भी नज़र आ रहे हैं, हालांकि एकदम तो जरा काफला निकलन लग्या सी तां उत्थे रोकिया भी गया लोगों नूं, पर उस तों बाद एक इन्नी रफ्तार दे नाल लोक अगे वध गए। ए भाजते गए नवे लड़का सी और नवे काके में हां मां फिर वही मां गिर गए फिर रह गए, ये तो मरे गए मरे गए। कितने लोग थे आपके साथ, तो कई लोगों की मौत भी हो गई होगी। हां कह तो रहे मौत है गई है पर मुझे कोई ध्यान ना है। आप अकेले गए थे, कितने लोग थे आपके साथ? सब बिंट गए, कोई ना रहो मेरे साथ में, अकेली पड़ी रही माँ, मुझे कोई हो सुना रहे हो। फिर एक माँ वो भैया ट्रैक्टर माँ मैंने ना कही भैया कहाँ जा रहे हो, हम जा रहे हैं माँ जा रहे हैं माँ। ठीक है माता जी, ठीक हो जाओगे। जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 7 बच्चे हैं
और अभी एक पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। कितने लोग आपके परिवार में से गए थे? परिवार में से मेरी चाची सास से तो एफआईआर हो गई है, डेड बॉडी आ रही है। और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं, उनके पूरी बॉडी है, इनसे पैर वगैरह काम नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो उनके फ्रैक्चर वगैरह आ गए हैं। प्रोग्राम क्या था, सत्संग था, क्या था, किसका था? कितने लोग होंगे सत्संग में? कितने बाबा चले गए, संगीत के चले गए, तो उनके बीच में आ गए हम। फिर आते हम भाई गड्ढा से निकल गए। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत काफ़ी भीड़। तो भगदड़ मची कैसी थी, क्यों थी? उठ के चले भगदड़ में, जो हम खड़े लगे ना से हम आ गए। लोगों के वालों दसिया गया है, जो चश्मदीद ने वो दस रहे हैं कि किमें एक तो बाद एक भीड़ जी अगे वही गई है और जिसकी वजह के भगदड़ मची है। तो हूँ तक का आंकड़ा जरा दसया जा रहा है 116 तो 122 दसया जा रहा है। हालांकि जी पुष्टि 118 लोगों की मौत हो गई है। तो मैनपुरी आश्रम तो बाबा जरा है वह इस वे फरार है। तो कुल मिला के ये तस्वीर भी तुम्हें दिखा रहे हैं। लगातार जदों मौत तो पहला यानी कि भगदड़ तो पहला जो ये व्डा इकट्ठ लोगों का अगे वाधा होया जरा नज़र आया है। तो हाथरस के हादसा वड्डा वापरिया, कल दोपहर वेले ये हादसा वापरिया और अजे तक जोड़े लोग ने वो अपने का उत्थे पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जिस तो बाद लाशों उन्होंने घर भेजा जाएगा। तो दस दिए कि हालात अजिहे हो गए सन घटना स्थल पर कि जिड़िया लाशा ने उन्होंने ढकन के लिए कोई चादर तक नहीं सी मिल पा रही और जोड़े जख्मी ने उस जमीन पर तड़फ रहे सन। इस तरीके का दर्दनाक मंजर उत्थे वेखन मिलया है। उन्होंने इलाज के लिए उत्थे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं सी। मृतकों से ज़्यादातर दसे जा रहे हैं हाथरस, बदायूं और पछमी यूपी के जिले के नाल ये संबंधित लोग ने। तो एटा के लाशा जिहड़ियां ने बड़ी गिनती दे विच वेख के ड्यूटी ते तैनात सिपाही रजनेश नूं हार्ट अटैक आया, जिन्हां की मौके पर मौत हो गई। अगे वधांगे तो दुआबे के दंगल का जिक्र करांगे। जलंधर वैसट जिमनी चोन के जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा वेखन को मिल रहा है। तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार बीबी सुरजीत कौर ने फिर तो पलटी मारी है। दस दिए कि 7 घंटे के अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के श्रोमणी अकाली दल बागी धड़े के मुड़ तो शमूलियत कर ली। तो मुड़ जलंधर के चोन मैदान के डटन का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह जितने। सीएम भगवंत मान ने दस दिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से ज्वाइनिंग कराई थी। सवेर वे दोपहर वे उन्होंने ज्वाइनिंग हुई आम आदमी पार्टी के और शाम को सुरजीत कौर की मुड़ श्रोमणी अकाली दल के बागी धड़े के वापसी हो गई। श्रोमणी अकाली दल का बागी धड़ा सुरजीत कौर का समर्थन कर रहा। अकाली दल सुरजीत कौर तो पहला ही दस दिए कि किनारा चल कर चुका है। हालांकि इस विचाले जो उन्होंने सवाल जवाब किए गए तो सुरजीत कौर ने कहा कि उन्होंने पता ही नहीं कि वह किस तरह उत्थे पहुंचे और किवें आम आदमी पार्टी के ज्वाइनिंग करा ली। यहोजा बयान उन्होंने दिता है। तो दस दिए कि राजा वड़िंग ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा बस करो, थोड़ी शर्म करो, सवेरे अकाली दोपहरे आम आदमी पार्टी, शाम को फिर अकाली। इस तरह ट्वीट उन्होंने किया। दो तस्वीर तुम दिखा रहे हैं। दोपहरे आम आदमी पार्टी के शमूलियत की और फिर 7 घंटे के अंदर अंदर शाम को बीबी जगीर कौर की अगवाई के मुड़ तो बागी अकाली दल के शमूलियत कर ली। तो पहली तस्वीर खुद दिखा रहे हैं तुम्हें। सीएम भगवंत मान के वलों ये शमूलियत करवाई गई है बीबी सुरजीत कौर और इस मौके पर उन्होंने कहा कि
आम आदमी पार्टी के कम्मां तो प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के जा रहे हैं। तो इतने उन्होंने गल दे आम आदमी पार्टी जिहड़ा निशान है वह पवाया और उस तो बाद दूसरी तस्वीर तुम दिखा रहे हैं जो बीबी जगीर कौर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुड़ तो अकाली दल बागी धड़ के शमूलियत करा ली। तो दस दिए कि दोबारा जो सवाल किया गया सुरजीत कौर उन्होंने कहा कि तकड़ी के निशान से ही वो लड़नगे और जोड़े मुद्दे ने उन्होंने ही वह पहरा दे। तो यह तस्वीर दूसरी तुम दिखा रहे हैं। तो इतने भावुक होंदे हुए भी सुरजीत कौर नज़र आए ने, उन्हों का परिवार भावुक होंद हो नज़र आ रहा, अखों के हंझू छलके ने और इस दौरान बड़े इमोशनल होकर भावुक होकर गलबात करते हुए भी नज़र आए ने। तो यह तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, बीबी जगीर कौर उन्होंने दिलासा दे रहे सन। जीत कौर वापस अकाली दल आ गए ने, पहला अज सवेरे आम आदमी पार्टी के शामिल होए सी पर हुण वापसी घर वापसी हो गई है। बीबी जी घर वापसी होगी फिर? हाँ जी, साड़ी तकड़ी निशान सी, तकड़ी रहेगा सी। अपने भाजी वापस आ गए। की गल की हुई अज सवेरे तुसीं अकाली दल छड़ के आम आदमी पार्टी च जदों शामिल होए सी, तुसीं कह रहे सी कि मैं तां उन्हां दे कम्मां तों प्रभावित होके आ गई। पता ही नहीं मैनूं की होया, मैनूं पता ही नहीं अपने आप की होया। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਪਰਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਪੰਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪੰਥ ਲਈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਠ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਚੋਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ ਪੈਣ। 2600 ਵੋਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ BSP ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਲਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਨਾੜੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਝੱਪੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
सियासी पार्टियां हर हथकंडा वरतन की कोशिश कर दिया ने। चलो पहले तो साडा ही अपना घर ही खिल रहा है अकाली दल वाला, जो बीबी सुरजीत कौर जी ने खड़े किया उन्होंने हथ पिछे खसका लिया अकाली दल ने। वह अपन पता ही सिंबल पहले वापस लैन की कोशिश की, फिर कागजात का जो उन्होंने वापसी का वह भी अपने गैर कानूनी तरीके लिख के दिता गया रिटर्निंग अफसर न, समा लंघ गया। हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार हो मुख्यमंत्री साहब के सामने एडा वा ड्रामा हो दसो ये की लोड़ सी। सारा जरा जो भी घटनाक्रम वापरी या ड्रामा होया ये मैं समझना कि आम आदमी पार्टी सरकार बहुत घबराहट से आई। अकाली दल के क्यों सारे दुआले हो, अकाली दल अपने पैरों से खड़ा खड़ा रहूगा। ये परिवार जैदा प्रीतम सिंह जी का परिवार आ। ड्रोन की गल कि आती भी सामने, ड्रोन की गल बच्चे आ जिदा सरकार का होंगे दुआ होंगे सरकार का, इस गलों कई बार बेचारे घबरा जाते करके उन्होंने अपने पिता जी है नहीं गए तो कला मुंडा आ, माता बेचारी सियानी है जी इलेक्शन लड़ रही है, ऐसी गल नहीं खड़ी आ। देखो कोई इदा की गल नहीं, दो घंटिया च ही सब कुछ ठीक हो गया करके उन्होंने पता से माता जी ने सारा भाईचारा इस गलों अपने रोस आया तो ना डट के खड़ गया। उन्होंने कहा तकड़े होके असी थोड़ी इलेक्शन साथ देना तो तुम कित होर नहीं जाना, अपना अकाली दल अपने मजबूत करना, अकाली दल वोटा पाया। गलबात की है भी बिजगीर कौर के नाल भी गलबात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेडे बच्चे ने उन्होंने उस दे विच आके ही सुरजीत कौर दे वालों अजिहा फैसला लिया गया, जबकि शाम को उन्होंने गलबात की है तो कोई अजिही गल नहीं है। तो वरगलाया गया एक किस्म के नाल और एक किस्म का डरा सी कि सरकार है आम आदमी पार्टी है तो अजिहा कुछ ना हो जाए, तो उसकी वजह के नाल सारा कुछ होया। पर हैरानगी है जिस तरीके के नाल सियासत दे विच जिहड़ा है खास तौर पर जलंधर का जिक्र किया जाए तो पूरा इत्थे असीं कह सकते हैं अजिहा वेखण नूं मिलिया यू टर्न जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार के वल्लों लिया गया। 7 घंटे के अंदर अंदर जिहड़ी पार्टी है वह बदल ली।